हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं और लॉकडाउन के समय में आप दिल्ली में फंस गए हुए हैं, या आप किसी काम से दिल्ली आए हुए थे उस कारण से आप दिल्ली में फंस गए हुए हैं इस लॉकडाउन में, अगर आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आप अपने गांव जाना चाहते हैं, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, आप किसी भी इस स्थान पर जाना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जो है भर के बहुत ही आसानी से स्पेशल ट्रेन में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने गाँव जाने के लिए। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों दिल्ली सरकार की तरफ से जो है ये लिंक जारी की गई है, जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोग जो है अपने गांव जा सके। तो इसे कैसे भरना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में आपको नोटिफिकेशन भी दिया गया है। जो दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, अपने राज्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर रिटर्न टू होम स्टेट बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म को भरना चालू करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले ऊपर में अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो मोबाइल नंबर आपका रेगुलर चालू रहता हो, क्योंकि आपको जो है सूचना जो दी जाएगी आपको मोबाइल के जरिए ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके नीचे आपको अपनी एज डाल लेनी है, जो यानी कि आपकी उम्र जो होगी वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और नाम भी आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही डालना है। और नीचे आप आने के बाद आपका जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल जो भी है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आने के बाद आप किस कैटेगरी में हैं, लेबर कैटेगरी में है, स्टूडेंट, टूरिस्ट, या आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए आए हुए थे, अदर कोई कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे मजदूर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आने के बाद दिल्ली में जिस जगह पे आप फंसे हुए हैं, दिल्ली के जिस स्थान पे भी आप फंसे हुए हैं, वहाँ का आपको यहाँ पे फुल एड्रेस डालना होगा। नीचे आने के बाद दिल्ली का जो क्या डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट, और नीचे आने के बाद जो आपकी आधार संख्या यानी कि आपका आधार नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, आने के बाद आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस स्टेट के लिए जो ये लिंक जारी किया गया है उसके लिए आप भर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपको बिहार देखने को मिल रहा है, दूसरे नंबर पर आपको जो है छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है, तीसरे नंबर पर झारखंड, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, और पांचवें नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। तो इन जगहों पे जाने के लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप किसी का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिहार का भी सेलेक्ट कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ का भी। तो इसी तरीके से आपको जो भी करना हो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर लिया, और नीचे आपको उत्तर प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका पड़ता हो यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे बरेली कर लेते हैं। और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, बरेली का यानी कि आपका जो गांव का एड्रेस है आपके आधार के अनुसार, वो आपको यहाँ पे पूरा डाल लेना है जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे जिस जगह आप उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं वहाँ के आपके आसपास का जो स्टेशन होगा, जो आपने एड्रेस डाला है उसके आसपास का जो स्टेशन होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बरेली सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम बरेली स्टेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने बरेली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, और हमने जो स्टेशन का जो लोकेशन डाला है वो भी बरेली ही डाला है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और नीचे जो है आपको सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपको दिल्ली सरकार के द्वारा जब भी सूची इसकी बनाई जाती है तो आपको SMS के द्वारा या आपको कॉल करके द्वारा जो है सूचित किया जाएगा, और आपको जो है ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं और अपने गांव या अपने राज्य में जा सके। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।